कैसे हैं? अभी रखती हूँ आपकी खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुक फ्रॉम होम में मैं आपको वेलकम करती हूँ, आप मुझे लाइक करें। कुक फ्रॉम होम में मैं आपको वेलकम करती हूँ, आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और बेल के बटन को दबाना मत भूलिए। और व्यूवर्स मैं मूवी एंड तक देखिए और शेयर करना भी मत भूलिए। व्यूवर्स आज जो है ना मेरी मम्मा खाना नहीं बना रही, आज हम खाना बना रहे हैं बल्कि भूख के लिए हम अपने लिए बना रहे हैं मैगी चटपटा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। व्यूअर्स मेरी आपसे एक ही गुजारिश होती है कि आप प्लीज़ नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन टच कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो व्यूअर्स आज मैं कुछ नहीं बना रही, मेरी बेटियाँ बना रही हैं। अगर इनकी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना मत भूलें। ये आज बना रही हैं चटपटा, चलें रेसिपी स्टार्ट करें। ये है तीन मैगी चटपटा लिए हैं, खोल के रख दिए हैं। ये मसाला उनका, चलें ये स्टार्ट करती हैं। तीन कप मैंने पानी डाल दिया सॉस पैन में, मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। जैसे ही पानी उबाल आएगा ये इसमें डाल के फिर खुद ही बनाएंगे। व्यूअर पानी को उबाला आ गया है, अब मैं इसकी फ्लेम लो करती हूँ और अब मैं इसमें मैगी डालती हूँ। व्यूअर इसके अंदर मैंने मैगी डाल दी है। क्या कहना है? व्यूअर अब मैं इसे जो है ना मिक्स करती हूँ। अभी और मसाला मैं बाद में डालूंगी, मैं अभी नहीं डालूंगी। व्यूअर अब हम इसे पकने देते हैं। व्यूअर्स ये बन गए हैं, अब मैं इसके अंदर मसाला डालती हूँ। व्यूअर अब मैगी सूप नूडल्स तैयार हैं, मैं इसका फ्लेम ऑफ करती हूँ। डिश आउट करते हैं व्यूअर इसे। व्यूअर ये देखिए हमारी सूप मैगी तैयार है। व्यूअर कितनी प्यारी लग रही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए। और व्यूअर्स से मैं मूवी एंड तक देखिए और शेयर करना भी मत भूलिए। व्यूअर्स आप कल तक के लिए मुझे इजाज़त दिया।